हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आधुनिक काल। तो दोस्तों, ये आधुनिक काल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस आदिकाल, उपन्यास और निबंध की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, UGC नेट की कंप्लीट क्लासेस भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी कम्युनिटी पोस्ट पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आप तैयारी कर लो के साथ बने रहें। आपका कोई सुझाव हो तो हमें आप सुझाव भी देते रहें। प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख लीजिए। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? ऑप्शन है आ, जीवन के प्रति आस्था, बा, लघु मानव की प्रतिष्ठा, सा, सामाजिक बोध का प्रभाव, या फिर ऑप्शन द, बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि। सही उत्तर है ऑप्शन सा, सामाजिक बोध का प्रभाव। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है, कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन बा, महावृक्ष के नीचे, ऑप्शन सा, सागर मुद्रा, या फिर ऑप्शन द, आंगन के पार द्वार। तो सही उत्तर है ऑप्शन आ, कितनी नावों में कितनी बार के लिए। अगला प्रश्न है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आ, अज्ञेय का, बा, नरेश मेहता का, सा, धर्मवीर भारती का, या फिर ऑप्शन द, मुक्ति बोध का। तो सही उत्तर है ऑप्शन आ, अज्ञेय जी का है। अगला प्रश्न है, फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ है? ऑप्शन है आ, अंधेरे में, बा, ब्रह्मा राक्षस, सा, उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा, उपर्युक्त दोनों, अंधेरे में भी और ब्रह्मा राक्षस में भी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? ऑप्शन आ, तार सप्तक, बा, नई कविता, सा, रूपाभ, या फिर ऑप्शन द, नई समीक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन आ, तार सप्तक से। अगला प्रश्न है, तार सप्तक और प्रकाशन वर्ष में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आ, तार सप्तक 1943, बा, दूसरा सप्तक 1956, सा, तीसरा सप्तक 1959, या फिर द, चौथा सप्तक 1979। सही उत्तर है ऑप्शन बा, दूसरा सप्तक 1956। अगला प्रश्न है, किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट, ऊबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरीय कहा गया है? ऑप्शन है आ, मुक्तिबोध, बा, नागार्जुन, सा, केदारनाथ अग्रवाल, या फिर ऑप्शन द, निराला। तो सही उत्तर है ऑप्शन बा, नागार्जुन की कविताओं को। अगला प्रश्न है, बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि कौन है? ऑप्शन आ, केदारनाथ अग्रवाल, बा, जयशंकर प्रसाद, सा, मैथिली शरण गुप्त, या फिर दा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन आ, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसके संबंध से किसका संबंध है? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है? ऑप्शन आ, मुखराज आनंद, बा, सज्जाद जहीर, सा, उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन दा, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा, उपर्युक्त दोनों, मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर। अगला प्रश्न है, युग की गंगा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आ, राहुल सांकृत्यायन, बा, नागार्जुन, सा, मुक्तिबोध, या फिर ऑप्शन द, केदारनाथ अग्रवाल। सही उत्तर है ऑप्शन द, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की उक्त परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है आ, जयशंकर प्रसाद की, बा, महादेवी वर्मा की, सा,
राम कुमार वर्मा की या फिर ऑप्शन द रामचंद्र शुक्ल की। सही उत्तर है ऑप्शन सा राम कुमार वर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का वर्ष है, किस वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। ऑप्शन आ 1930, बा 1931, सा 1936 या फिर दा 1939। सही उत्तर है ऑप्शन सा 1936 में। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन आ माखनलाल चतुर्वेदी, बा सुभद्रा कुमारी चौहान, सा सुमित्रा नंदन पंत या फिर ऑप्शन द राम नरेश त्रिपाठी। सही उत्तर है ऑप्शन आ माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, परिमल किसका काव्य संग्रह है। ऑप्शन आ सुमित्रा नंदन पंत, बा अज्ञे, सा निराला या फिर ऑप्शन द नरेश मेहता। सही उत्तर है ऑप्शन सा निराला जी की। अगला प्रश्न है, छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है। शब्द शिल्पी किसको कहा गया है। ऑप्शन आ निराला, बा सुमित्रा नंदन पंत, सा जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन द महादेवी वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बा सुमित्रा नंदन पंत को शब्द शिल्पी कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसाद की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। ऑप्शन है आ कामायनी लहर झरना आंसू, बा आंसू कामायनी लहर झरना, सा लहर झरना आंसू कामायनी या फिर ऑप्शन द झरना आंसू लहर कामायनी। सही उत्तर है ऑप्शन द झरना आंसू लहर कामायनी। अगला प्रश्न है, युगीन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि हैं, कौन है। ऑप्शन है आ जयशंकर प्रसाद, बा सुमित्रा नंदन पंत, सा निराला या फिर ऑप्शन द राम कुमार वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन सा निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है आ युगांत, बा लोकायतन, सा कला और बूढ़ा चांद या फिर ऑप्शन द चिदंबरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन द चिदंबरा के लिए प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, पंत की रचनाओं का वरीयता क्रम बताइए। ऑप्शन है आ पल्लव वीणा युगांत गुंजन, बा वीणा पल्लव गुंजन युगांत, सा गुंजन युगांत वीणा पल्लव या फिर ऑप्शन द युगांत गुंजन पल्लव वीणा। सही उत्तर है ऑप्शन बा वीणा पल्लव गुंजन युगांत। अगला प्रश्न है, छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान, अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा है। ऑप्शन आ रामचंद्र शुक्ल ने, बा विश्वनाथ प्रसाद ने, सा मुक्ति बोध ने या फिर ऑप्शन द नगेंद्र ने। सही उत्तर है ऑप्शन बा विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। प्रतिबिंबवाद छायावाद को किसने कहा है। ऑप्शन आ रामचंद्र शुक्ल ने, बा नामवर सिंह ने, सा नगेंद्र ने या फिर ऑप्शन द बच्चन सिंह ने। सही उत्तर है ऑप्शन आ रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है छायावाद को प्रतिबिंबवाद। अगला प्रश्न है, रसिक मंडल के संस्थापक थे। आ जगन्नाथ दास रत्नाकर, बा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सा निराला या फिर ऑप्शन द गया प्रसाद शुक्ल सनेही। सही उत्तर है ऑप्शन आ जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की किस काव्य कृति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। ऑप्शन आ ब्रजभाषा में काव्य रचना, बा इतिवृत्तात्मकता, सा राष्ट्रीय भावों की
अतिरंजना या फिर ऑप्शन द श्रृंगार भक्ति भावना। सही उत्तर है ऑप्शन ब इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है कवियों का वरीयता क्रम बताइए। ऑप्शन अ प्रसाद पंत निराला महादेवी, ब प्रसाद निराला पंत महादेवी, सा पंत प्रसाद महादेवी निराला, या फिर ऑप्शन द महादेवी पंत निराला प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन ब प्रसाद निराला पंत महादेवी। अगला प्रश्न है हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, किस कवि की पंक्ति है। ऑप्शन अ भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ब महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सा हरि औध की, या फिर ऑप्शन द मैथिली शरण गुप्त की। सही उत्तर है ऑप्शन द मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है इसकी कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या है, अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है। ऑप्शन है अ प्रिय प्रवास, ब साकेत, सा द्वापर, या फिर ऑप्शन द कामायनी। सही उत्तर है ऑप्शन अ प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है भुजंग भूषण, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से किसने लिखा है। ऑप्शन अ भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब बालमुकुंद गुप्त, सा महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन अ रामचंद्र शुक्ल का, ब भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सा मैथिली शरण गुप्त का, या फिर ऑप्शन द महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सही उत्तर है ऑप्शन द महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है हरि औध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। ऑप्शन अ वैदेही वनवास, ब प्रिय प्रवास, सा रस कलश, या फिर ऑप्शन द पद्य प्रसून। सही उत्तर है ऑप्शन ब प्रिय प्रवास के लिए मिला था। अगला प्रश्न है कौन सी रचना गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित है। ऑप्शन अ यशोधरा, ब प्रिय प्रवास, सा जय भारत, या फिर ऑप्शन द विष्णु प्रिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन अ यशोधरा गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थी। ऑप्शन अ सरस्वती पत्रिका में, ब मर्यादा में, सा इंदु में, या फिर ऑप्शन द प्रताप में। सही उत्तर है ऑप्शन सा इंदु में। अगला प्रश्न है रचना और रचना काल में कौन विषम संयोजन है। विषम बताना है असत्य। ऑप्शन अ भारत भारती 1910, साकेत 1931, प्रिय प्रवास 1914, द पंचवटी 1925। सही उत्तर है ऑप्शन अ भारत भारती 1910, या विषम संयोजन है। अगला प्रश्न है इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। ऑप्शन अ प्रेमचंद ने, ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सा शिवदान सिंह चौहान ने, या फिर ऑप्शन द श्याम सुंदर दास ने। सही उत्तर है ऑप्शन ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे। ऑप्शन अ शिवदान सिंह चौहान, ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सा प्रेमचंद्र शुक्ल प्रेमचंद, या फिर ऑप्शन द किशोरी लाल गोस्वामी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
अगला प्रश्न है पाजेब। पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? ऑप्शन आ जैनेन्द्र, बा मोहन राकेश, सा अज्ञे या फिर ऑप्शन द सुदर्शन। सही उत्तर है ऑप्शन आ जैनेन्द्र की। अगला प्रश्न है निम्न कहानियों को आरोही क्रम में रचना काल की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में रचना काल की दृष्टि से ऑप्शन है आ उसने कहा था, पंच परमेश्वर, आकाशदीप, मलवे का आदमी, बा पंच परमेश्वर उसने कहा था, आकाशदीप, मलवे का आदमी, सा मलवे का आदमी, आकाशदीप, उसने कहा था, पंच परमेश्वर या फिर ऑप्शन द आकाशदीप, पंच परमेश्वर, मलवे का आदमी, उसने कहा था। सही उत्तर है ऑप्शन आ उसने कहा था, पंच परमेश्वर, आकाशदीप, मलवे का आदमी। अगला प्रश्न है खितनी बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? ऑप्शन आ सुदर्शन, बा यशपाल, सा भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर ऑप्शन द अज्ञे। सही उत्तर है ऑप्शन द अज्ञे जी की। अगला प्रश्न है इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे? ऑप्शन आ कहानी, बा सारिका, सा कादंबिनी या फिर ऑप्शन द धर्मयुग। सही उत्तर है ऑप्शन बा सारिका पत्रिका से। अगला प्रश्न है मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? आ बटरोही, बा दूधनाथ सिंह, सा अखिलेश या फिर ऑप्शन द अमरेंद्र मिश्र। उत्तर है ऑप्शन सा अखिलेश का। अगला प्रश्न है उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? ऑप्शन आ सुरेंद्र वर्मा, बा महावीर खाल्टा, सा धीरेंद्र अस्थाना या फिर ऑप्शन द अमरेंद्र मिश्र। सही उत्तर है ऑप्शन सा धीरेंद्र अस्थाना की। अगला प्रश्न है अकहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? ऑप्शन आ मोहन राकेश को, बा कमलेश्वर को, सा महीप सिंह को या फिर ऑप्शन द निर्मल सिंह को। सही उत्तर है ऑप्शन द निर्मल सिंह को, अकहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार। अगला प्रश्न है एष्टे किस कहानीकार का संकलन है? ऑप्शन आ हरिमोहन, बा राजेंद्र उपाध्याय, सा रामदर्श मिश्र या फिर ऑप्शन द राजी सेठ। सही उत्तर है ऑप्शन बा राजेंद्र उपाध्याय का। अगला प्रश्न है इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा? ऑप्शन आ जैनेन्द्र, बा कमलेश्वर, सा मोहन राकेश या फिर ऑप्शन द अमरकांत। सही उत्तर है ऑप्शन आ जैनेन्द्र। अगला प्रश्न है राजा निरंबसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? ऑप्शन आ मोहन राकेश, बा कमलेश्वर, सा राजेंद्र यादव या फिर ऑप्शन द निर्मल वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन बा कमलेश्वर, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन आ भीष्म साहनी, बा कमलेश्वर, सा जैनेन्द्र या फिर ऑप्शन द अमरकांत। उत्तर है ऑप्शन सा जैनेन्द्र, जाह्नवी कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन आ मार्कंडे, बा कमलेश्वर, सा फणीश्वरनाथ रेणु या फिर ऑप्शन द उषा प्रियंवदा। सही उत्तर है ऑप्शन सा फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन आ डॉक्टर नामवर सिंह,
ऑप्शन बा डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या फिर ऑप्शन दा प्रेमचंद। सही उत्तर है ऑप्शन सा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का। अगला प्रश्न है कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन आ 1950 ईस्वी, बा 1955, सा 1960 या फिर दा 1975। सही उत्तर है ऑप्शन बा 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणिक है, यह कथन किस कहानी के लिए है। ऑप्शन आ प्रगतिवादी कहानी, ऑप्शन बा मनोविश्लेषणवादी कहानी, ऑप्शन सा प्रेमचंद युगीन कहानी या फिर ऑप्शन दा नई कहानी। सही उत्तर है ऑप्शन दा नई कहानी। अगला प्रश्न है किस प्रकार की कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है। ऑप्शन आ प्रेमचंद युगीन कहानी, ऑप्शन बा नई कहानी, ऑप्शन सा मनोविश्लेषणवादी कहानी या फिर ऑप्शन दा प्रगतिशील कहानी। सही उत्तर है ऑप्शन बा नई कहानी, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन आ भीष्म साहनी, बा किशोर साहू, सा द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण या फिर ऑप्शन दा अमरकांत। सही उत्तर है ऑप्शन आ भीष्म साहनी है, अहम ब्रह्मास्मि। अगला प्रश्न है जीपी श्रीवास्तव की कहानी में प्रधानता है किस चीज की। ऑप्शन आ सामाजिक घटनाओं के यथार्थ चित्रण की, बा प्रगतिवादी भावनाओं की, सा सेक्स एवं रोमांस की या फिर ऑप्शन दा हास्य व्यंग की। तो सही उत्तर है ऑप्शन द हास्य व्यंग की प्रधानता है। अगला प्रश्न है वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन है। ऑप्शन आ मोहन राकेश, बा अग्गे, सा कमलेश्वर या फिर ऑप्शन द भगवती चरण वर्मा। उत्तर है ऑप्शन द भगवती चरण वर्मा वसीयत कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार का कहानी संग्रह है। ऑप्शन आ नागार्जुन, बा केदारनाथ, सा यशपाल या फिर दा त्रिलोचन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा यशपाल के, ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है। ऑप्शन आ दोजख की आग, बा कहानी कौमुदी, सा इंद्र धनुष या फिर ऑप्शन दा चॉकलेट। सही उत्तर है ऑप्शन बा कहानी कौमुदी। अगला प्रश्न है चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन आ ममता, बा पुरस्कार, सा इंद्रजाल या फिर ऑप्शन दा आकाश द्वीप। सही उत्तर है ऑप्शन दा आकाश द्वीप के। अगला प्रश्न है एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन सुदर्शन, बा कौशिक, सा प्रसाद या फिर ऑप्शन दा प्रेमचंद। उत्तर है ऑप्शन आ सुदर्शन। अगला प्रश्न है सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है। ऑप्शन आ राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बा रांगे राघव, ऑप्शन सा चंद्रगुप्त विद्यालंकार या फिर ऑप्शन दा ऊषा देवी मित्रा। तो सही उत्तर है ऑप्शन आ राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला प्रश्न है ताई, ताई कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है आ प्रेमचंद, ऑप्शन बा कौशिक, ऑप्शन सा सुदर्शन या फिर ऑप्शन दा प्रसाद। उत्तर है ऑप्शन बा कौशिक। अगला प्रश्न है कौशिक जी की कहानियों के संबंध में
कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन आ, चित्रशाला उनकी कहानी संकलन का नाम है। ऑप्शन बा, हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। सा, कौशिक की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े होते हैं। या फिर ऑप्शन दा, कौशिक जी ने दहेज प्रथा पर पर्दा प्रथा बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है। सही उत्तर है ऑप्शन बा, हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? किस कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था प्रेमचंद के? ऑप्शन आ, सोजे वतन, बा प्रेम पचीसी, सा प्रेम द्वादशी, या फिर ऑप्शन दा, कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन आ, सोजे वतन। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? ऑप्शन आ, प्रेमचंद के। ऑप्शन बा, प्रसाद के। ऑप्शन सा, भगवती प्रसाद वर्मा के। या फिर ऑप्शन दा, यशपाल के। तो सही उत्तर है ऑप्शन आ, प्रेमचंद के। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक नाम छाटिए। बहादुर कहानी के लेखक का नाम छाटिए। ऑप्शन आ, ऊषा प्रियंवदा। ऑप्शन बा, राजेंद्र यादव। ऑप्शन सा, अमरकांत। या फिर ऑप्शन दा, प्रेमचंद। सही उत्तर है ऑप्शन सा, अमरकांत। अगला प्रश्न है, खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? ऑप्शन आ, भीष्म साहनी। ऑप्शन बा, कमलेश्वर। ऑप्शन सा, अज्ञे। या फिर ऑप्शन दा, महीप सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन बा, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन आ, 1908 ईस्वी, बा 1910 ईस्वी, सा 1906 ईस्वी, या फिर ऑप्शन दा, 1912 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन दा, 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद युग का समय क्या है? ऑप्शन आ, 1900 से 1915 ईस्वी। ऑप्शन बा, 1916 से 1936 ईस्वी। ऑप्शन सा, 1936 से 1950। या फिर ऑप्शन दा, 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी के उपरांत। सही उत्तर है ऑप्शन बा, 1916 से 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद्र जोशी का नहीं है? ऑप्शन आ, डायरी के नीरस पृष्ठ। ऑप्शन बा, आहुति। ऑप्शन सा, खंडहर की आत्माएं। या फिर ऑप्शन दा, शरणार्थी। सही उत्तर है ऑप्शन दा, शरणार्थी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन आ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बा, प्रेमचंद। ऑप्शन सा, कौशिक। या फिर ऑप्शन दा, प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन आ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? ऑप्शन आ, सारिका। बा, कथा भारती। सा, सचेतना संचेतना। या फिर ऑप्शन दा, आजकल। उत्तर है ऑप्शन आ, सारिका पत्रिका से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का नहीं है? ऑप्शन आ, विपत गा बा कोठरी की बात। सा, जयदोल। या फिर ऑप्शन दा, खंडहर की आत्माएं। तो सही उत्तर है ऑप्शन दा, खंडहर की आत्माएं अज्ञे जी का नहीं है। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आ, उदय प्रकाश। ऑप्शन बा, विनोद कुमार। ऑप्शन सा, प्रयाग शुक्ल। या फिर ऑप्शन दा, मंगलेश
डबराल। तो सही उत्तर है ऑप्शन द, मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आ राजा निरंबसिया, ऑप्शन बा खोई हुई दिशाएं, ऑप्शन सा बयान, या फिर ऑप्शन द नए बादल। सही उत्तर है ऑप्शन द नए बादल। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है आ चूका भी नहीं हूं मैं, ऑप्शन बा कुछ कविताएं, ऑप्शन सा कुछ और कविताएं, या फिर ऑप्शन द काल तुझसे होड़ है मेरी। सही उत्तर है ऑप्शन आ चूका भी नहीं हूं मैं। अगला प्रश्न है, दुष्चक्र में सृष्टा, दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आ मंगलेश डबराल, ऑप्शन बा वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन सा कात्यानी, या फिर ऑप्शन द अशोक वाजपेयी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बा वीरेन डंगवाल। अगला प्रश्न है, नई कविता का निराला किसे कहा गया है? नई कविता के निराला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आ नागार्जुन, ऑप्शन बा शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सा अग्गे, या फिर ऑप्शन द मुक्ति बोध। उत्तर है ऑप्शन द मुक्ति बोध को नई कविता का निराला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कवि और कविता में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आ भवानी प्रसाद मिश्र सन्नता, ऑप्शन बा शमशेर बहादुर सिंह एक पीली शाम, ऑप्शन सा धर्मवीर भारती मुनादी, या फिर ऑप्शन द केदारनाथ सिंह मोर्चे पर। सही उत्तर है ऑप्शन द केदारनाथ सिंह मोर्चे पर यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ? किसके स्वरूप? ऑप्शन दिए हुए हैं आ विचारधारा की कट्टरता, ऑप्शन बा वैयक्तिक अनुभूति का अभाव, सा अति यथार्थवादिता, या फिर ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नकेनवाद के तीन प्रमुख कवि कौन कौन हैं? ऑप्शन आ नलिन विलोचन, केसरी कुमार, नरेश मेहता, बा नरेश मेहता कुंवर नारायण नेमीचंद्र, सा नलिन विलोचन केदारनाथ सिंह नरेश मेहता, या फिर ऑप्शन द नकुल कुमार केदारनाथ अग्रवाल नरेश मेहता। सही उत्तर है ऑप्शन आ नलिन विलोचन केसरी कुमार नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन है आ ज्ञानपीठ, ऑप्शन बा साहित्य अकादमी, ऑप्शन सा उत्तर प्रदेश सरकार, या फिर ऑप्शन द मध्य प्रदेश सरकार। सही उत्तर है ऑप्शन सा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आ सागर मुद्रा अज्ञे, ऑप्शन बा चांद का मुंह टेढ़ा है धूमिल, ऑप्शन सा गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर ऑप्शन द कनुप्रिया धर्मवीर भारती। सही उत्तर है ऑप्शन बा चांद का मुंह टेढ़ा है धूमिल। अगला प्रश्न है, हरि औध की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है? ऑप्शन आ प्रिय प्रवास, बा रस कलश, सा वैदेही वनवास, या फिर ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बा रस कलश। अगला प्रश्न है, कवियों का वरीयता क्रम बताइए। ऑप्शन आ मुक्तिबोध अज्ञे धर्मवीर भारती नरेश मेहता, बा अज्ञे मुक्तिबोध नरेश मेहता धर्मवीर भारती, सा धर्मवीर भारती अज्ञे मुक्तिबोध नरेश मेहता, या फिर ऑप्शन द नरेश मेहता धर्मवीर भारती अज्ञे मुक्तिबोध।
उत्तर है ऑप्शन बा अज्ञे मुक्तिबोध नरेश मेहता धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है कवियों का वरिष्ठता क्रम बताइए। ऑप्शन है आ श्रीधर पाठक महावीर प्रसाद हरिऔध मैथिली शरण, बा मैथिली शरण हरिऔध महावीर प्रसाद श्रीधर पाठक, सा महावीर प्रसाद मैथिली शरण गुप्त श्रीधर पाठक हरिऔध, या फिर ऑप्शन दा हरिऔध श्रीधर पाठक मैथिली शरण महावीर प्रसाद। उत्तर है ऑप्शन आ श्रीधर पाठक महावीर प्रसाद हरिऔध मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है कवि और उपनाम में कौन सा विषय संयोजन है, विषम संयोजन है। ऑप्शन आ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बा गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ऑप्शन सा राय देवी प्रसाद पूर्ण, या फिर ऑप्शन दा मैथिली शरण गुप्त कलाधर। सही उत्तर है ऑप्शन दा मैथिली शरण गुप्त कलाधर, यह विषम संयोजन है। अगला प्रश्न है निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयनी विषय निज भाषा उपयोग, उक्ति किस कवि की है। ऑप्शन है आ भारतेंदु, ऑप्शन बा प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सा बाल कृष्ण भट्ट, या फिर ऑप्शन दा श्रीधर पाठक। सही उत्तर है ऑप्शन दा श्रीधर पाठक जी की है। अगला प्रश्न है कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा गया है। ऑप्शन है आ मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बा हरिऔध, ऑप्शन सा जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर ऑप्शन दा नाथुराम शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन दा नाथुराम शर्मा को। अगला प्रश्न है पढ़ी कमाए कीन्हो कहा हरे न देश कलेश जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है आ भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन बा राधाचरण गोस्वामी की, ऑप्शन सा बालकृष्ण भट्ट की, या फिर दा प्रताप नारायण मिश्र की। सही उत्तर है ऑप्शन दा प्रताप नारायण मिश्र जी की है। अगला प्रश्न है ब्रज के लता पता मोही की जय गोपी पद पंकज पावन जी की रज जामय सिर भीजय, पद किसका है, प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शन है आ गिरिधर दास, ऑप्शन बा भारतेंदु, ऑप्शन सा ब्रज रत्न दास, या फिर ऑप्शन दा वल्लभाचार्य। सही उत्तर है ऑप्शन बा भारतेंदु जी की है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युगीन गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है। ऑप्शन है आ रामविलास शर्मा ने, ऑप्शन बा रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सा बाल मुकुंद गुप्त ने, या फिर ऑप्शन दा बच्चन सिंह ने। सही उत्तर है ऑप्शन दा बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहिए को सूल, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है। ऑप्शन आ प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन बा भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन सा प्रेम घन की, या फिर ऑप्शन दा अंबिका दत्त व्यास की। तो सही उत्तर है ऑप्शन बा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला प्रश्न है बूढ़े मुंह मुहासे रचना किस विधा में है। ऑप्शन आ निबंध, बा नाटक, सा कहानी, या फिर दा प्रहसन। उत्तर है ऑप्शन आ निबंध की। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है आ नामवर सिंह का, बा बच्चन सिंह का, सा रामचंद्र शुक्ल का, या फिर ऑप्शन दा रामविलास शर्मा जी का। तो सही उत्तर है ऑप्शन दा रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाट रचना का संबंध किस विधा से है। ऑप्शन आ निबंध, बा
प्रहसन, सा नाटक या फिर ऑप्शन द उपन्यास। उत्तर है ऑप्शन द उपन्यास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की ब्रज भाषा में लिखित काव्य रचना का मुख्य विषय है। ऑप्शन आ भक्ति श्रृंगार, ब राष्ट्रीयता देश प्रेम, सा सामाजिक सुधार या फिर ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन आ भक्ति श्रृंगार। अगला प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षन पत्र जो कि एक पत्र है कहां से प्रकाशित होता था। ऑप्शन आ बनारस से, ऑप्शन बा कलकत्ता से, ऑप्शन सा इलाहाबाद से या फिर ऑप्शन द मिर्जापुर से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बा कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, पत्रिका और प्रकाशन स्थल में कौन सा ऑप्शन विषम है, असत्य है। ऑप्शन आ हिंदी प्रदीप प्रयाग, बा आनंद कादंबिनी मिर्जापुर, सा ब्राह्मण काशी या फिर ऑप्शन द भारतेंदु वृंदावन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सा ब्राह्मण काशी। अगला प्रश्न है, गोवर्धन दास भारतेंदु के किस नाटक का पात्र है। ऑप्शन है ऑप्शन आ वैदेही हिंसा हिंसा ना भवती, ऑप्शन बा नील देवी, सा अंधेर नगरी या फिर ऑप्शन द भारत दुर्दशा। सही उत्तर है ऑप्शन सा अंधेर नगरी का। अगला प्रश्न है, ब्रैडला स्वागत किसकी रचना है। ऑप्शन आ प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सा महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन द राधा कृष्ण दास। उत्तर है ऑप्शन आ प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का निधन कब हुआ। ऑप्शन आ 1 जनवरी 1985, बा 30 दिसंबर 1984, सा 6 जनवरी 1985 या फिर ऑप्शन द 3 दिसंबर 1985। उत्तर है ऑप्शन सा 6 जनवरी 1985 में। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन आ हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजा हितैषी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन बा हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रजा हितैषी या फिर ऑप्शन सा ब्राह्मण, प्रजा हितैषी, हिंदी प्रदीप, हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर ऑप्शन द प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। सही उत्तर है ऑप्शन द प्रजा हितैषी, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जिनको आपने देखा था। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।